सर जून के महीने में हमें जवान वर्सेस आदि पुरुष क्लैश देखने को मिलने वाला है, क्या लगता है कौन से फिल्म सरवाइव करेगी? हाँ जी, देखिए ऐसे डायरेक्ट क्लैश तो नहीं है, दोनों फिल्मों की रिलीज डेट में आप देखेंगे तो 2 हफ्ते का गैप है। 2 जून को आ रही है जवान, उसके बाद 2 हफ्ते बाद आनी है आदि पुरुष। अभी आप लोगों से पूछेंगे तो सबका सिर्फ एक ही आपको जवाब देखने को मिलेगा कि सबके सब सिर्फ और सिर्फ जवान देखना चाहते हैं। अभी आदि पुरुष को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो टीजर आने के बाद खत्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। जिस तरीके से हमने टीजर देखा था, मतलब वो पूरा कार्टून बना दिया था एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको। कितने उस वक्त तो देखिए रावण वर्सेस आदि पुरुष का भी लोग करने लगे थे कि रावण कितने साल पहले रिलीज हुई थी, और उसके मतलब जो VFX थे वो अभी तक भी हमें बॉलीवुड की किसी दूसरी फिल्म में उस तरीके के देखने को नहीं मिले। तो उसके लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई आदि पुरुष की, तो लोगों के बीच जो एक्साइटमेंट थी वो पूरी जो हाइप थी वो खत्म हो चुकी थी। अब उसके बाद देखिए फिर फिल्म को भी पोस्टपोन करना पड़ा उन लोगों ने। देखिए 12 जनवरी को पहले फिल्म आ रही थी पठान के साथ, देखिए पहले पठान के 2 हफ्ते पहले आ रही थी, अब जवान के 2 हफ्ते बाद आ रही, तो उस वक्त भी देखिए काफी ज्यादा चला पठान वर्सेज आदि पुरुष, पठान वर्सेज आदि पुरुष, लेकिन पठान क्या धमाल मचा के गई। ऐसे में अब फिर से भी जवान वर्सेज आदि पुरुष, जवान वर्सेज आदि पुरुष कर रहे लोग। खैर मैं तो यही कहूंगा कि देखिए उम्मीद करूँ दोनों ही फिल्में अच्छी हो और दोनों ही फिल्में चले। देखिए जवान का तो अनाउंसमेंट वीडियो कितना खतरनाक था, उसमें VFX हैवी VFX ऐसा नहीं है कि हमें जवान में देखने को नहीं मिले, इसमें भी खतरनाक VFX देखने को मिलने वाले। लेकिन रेड चिली इस मामले में जबरदस्त है, रेड चिलीज़ के VFX देखिए जबरदस्त रहते तो वो तो भूल ही जाओ कि जवान में हमें कोई कमी देखने को मिलेगी। जवान जबरदस्त फिल्म होने वाली है, वैसी इडली कुमार की फिल्म, तो शाहरुख खान फिर से छाने वाले हैं जवान में पूरी तरीके से। और उम्मीद करूँगा आदि पुरुष ने वालों ने भी सुधार कर लिया और फिल्म और आदि पुरुष अच्छी बनाई हो, तो 2 हफ्ते बाद आदि पुरुष भी चल जाएगी। उम्मीद करूँगा दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चले और जबरदस्त कमाई करें।